नमस्कार दोस्तों, गोपाल उमा ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। दोस्तों तो दोस्तों अभी हम लोग ड्यूटी से अभी आए और अभी खाना बना रहे हैं दोस्तों। तो चावल बना लिए हैं और रात का समय है दोस्तों और अभी बज रहा है 9:30 और हम इसी टाइम पे ही छुट्टी होते हैं दोस्तों, तो मैं टाइम भी बता देता हूँ इसीलिए। तो दोस्तों उमा जी खाना बना लिए हैं और चावल बन गया है इधर कुकर में देखिए, और उमा जी इधर तेल चढ़ा लिए हैं कढ़ाई में। इधर स्पेशल बनने वाला है दोस्तों, चिकन बनने वाला है, ये देखिए चिकन बनेगा। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग देखते रहिएगा हमारे वीडियो को एंड तक। आज मतलब देसी तरीके से हम चिकन बनाएंगे, जैसे गांव देहात में बनाते हैं ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि हम लोग गांव से ही हैं, देहात से हैं, इसीलिए देहाती स्टाइल में बनाएंगे, देसी देहाती तरीके से बनाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो उमा जी ने इधर लहसुन और अदरक डाल दिए हैं, ये देखिए दोस्तों लहसुन अदरक डाल दिए और प्याज डाल रहे हैं, ये देखिए उमा जी, ये देखिए प्याज डाल दिए और मस्त अभी भून लेंगे प्याज को, उसके बाद में मसाला डाल के उसके बाद चिकन डालेंगे दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ आगे वीडियो में बने रहिए, आप कैसे बनाएंगे हम लोग चिकन देसी तरीके से, आप लोग को देखते रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग हमें प्यार सपोर्ट आशीर्वाद प्यार दुलार आप लोग देते रहिएगा दोस्तों, हम लोगों को आप लोगों का प्यार दुलार की ज़रूरत है दोस्तों। आप लोग मसाले मैं डाल देती हूँ अभी पानी में। हाँ डाल लो। तो अभी मेरा पानी है दोस्तों, ये देखिए जो हम जा रही हूँ मैं चिकन मसाला डाल रहे हैं पानी में, देखिए कैसे, ये देखिए दोस्तों उमा जी डाल रहे हैं, और इधर मिर्च पाउडर, ये देखिए एक कटोरी में पानी डाल के इसमें मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और चिकन मसाला और नमक डालेंगे और इसमें अच्छे से घोल के उस प्याज भुन जाएगा, उसके बाद में ये मसाला को डालना है दोस्तों। तो ये हल्दी डाल दिए और इधर प्याज भी भून रहा है दोस्तों। जब प्याज भून रहे तब तक मसाला तैयार कर रहे हैं, मसाला इधर मतलब मिक्स कर लेंगे बोल रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको टेस्ट करके भी बताएंगे। नमक डाल दिए, ये देखिए। तो आप लोग प्लीज़ देखते रहिएगा बना के, हम लोग टेस्ट करके बताएंगे कि कैसे बनेगा हमारा देसी तरीके से चिकन। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, हमें आप लोगों को आप लोगों की प्यार दुलार की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग हमको प्यार दुलार आशीर्वाद हमको देते रहिएगा। तो ये देखिए इधर प्याज भून रहा है, ये देखिए थोड़ा और देरी भून जाएगा दोस्तों प्याज, उसके बाद में हम डालेंगे मसाला। तो देखिए प्याज कैसे भून रहा है, अब इसमें डाल दिया हम कड़ी पत्ता दोस्तों, ये देखिए थोड़ा मसाला भून जाए, ये प्याज भून जाए उसके बाद मसाला डालेंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों प्याज अच्छा से भून गया है, ये देखिए, और हम इसमें मसाला जो मिक्स किए थे वो डाल रहे हैं, ये देखिए उमा जी डाल दिए और इसे अच्छा से मिक्स कर देंगे, उसके बाद में हम चिकन डालेंगे दोस्तों इसमें, ये देखिए उमा जी इधर
बना रहे हैं मिक्स कर दिए मसाला। ये देखिए कैसा लग रहा है, ये देखिए। तो हम अच्छा से बनाएंगे दोस्तों, थोड़ा देते हैं। थोड़ा सा इसमें कस्तूरी मेथी डाल रहे हैं, ये देखिए नज़दीक से दिखा देते हैं आपको। ये देखिए थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दिए, थोड़ा टेस्ट आ जाएगा दोस्तों। तो हमारे वीडियो को देखते रहिएगा एंड तक दोस्तों, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। पाउडर सारा डाल दिए क्योंकि हम ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। थोड़ा मिर्च पाउडर और डाल दिए दोस्तों, ये देखिए मुझे कम लग रहा है। थोड़ा कम लग रहा था इसीलिए, क्योंकि हम दोनों ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। ये देखिए दोस्तों मसाला कैसे भून गया है, ये देखिए। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है मसाला एकदम। ये देखिए लग रहा है ना दोस्तों स्पाइसी। तो दोस्तों आगे देखते रहिएगा हमारा वीडियो को, और ऐसे ही आप लोग प्यार दुलार सपोर्ट देते रहिएगा हमको। बस डाल दो उसमें, हो गया है। डाल दिए थोड़ा सा एक मिनट, हाँ उसके बाद में डालेंगे थोड़ा सा, रुकने। हाँ तो ये देखिए दोस्तों मसाला अच्छा से भून गया है, और उमा जी इसमें चिकन डाल रहे हैं, डालेंगे अभी। ये देखिए चिकन डाल दिए इसमें दोस्तों, ये देखिए, और अच्छा से मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए इधर उमा जी इधर अच्छा से मिक्स कर रहे हैं, ये देखिए गाइस अच्छा से मिक्स कर लेंगे मस्त बढ़िया से मसालों के साथ भून लेंगे, उसके बाद तभी अच्छा टेस्ट आएगा दोस्तों। ये देखिए कैसा लग रहा है, देखिए अभी मिक्स हुआ नहीं है, अब अच्छा से भून जाएगा तब और अच्छा लगेगा दोस्तों। हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं दोस्तों चिकन। तो देखिए हमारे गांव देसी तरीके का, थोड़ा थाली ढक देते हैं और थोड़ा पक जाएगा दोस्तों मसालों के साथ, अच्छा से मतलब मिक्स हो जाएगा चिकन अच्छा से। उसके बाद में हम टमाटर डालेंगे, टमाटर को भी थोड़ा सा अच्छा से भून के उसमें पानी ऐड करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा दो मिनट इसमें मिक्स होने देते हैं मसालों के साथ चिकन को, फिर आगे की प्रोसेस दिखाते हैं आपको। तो हो गए हैं दोस्तों दो चार मिनट, हम इसको खोल देते हैं थाली को। ये देखिए मसाले के साथ अच्छा से भून गया है, ये देखिए चिकन अच्छा से भून गया है। दिख रहा है कमेंट में बताइएगा। ये देखिए दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट में कि ये कैसा लग रहा है। ये देखिए अब इसमें डाल देंगे हम, अब इसमें डाल रहे हैं उमा जी टमाटर, और अच्छा से इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छा से मिक्स करने के बाद में थोड़ी देर के बाद पानी ऐड करेंगे, पानी मिला देंगे दोस्तों, फिर उबलेगा, फिर हो जाएगा हमारा चिकन रेडी। उसके बाद हम खाना खाएंगे और आपको टेस्ट करके बताएंगे कि हमारा चिकन बना कैसे है देसी तरीके से, देहाती तरीके से देसी चिकन, मतलब बॉयलर चिकन कैसे बनेगा आपको बताएंगे। तो प्लीज़ आप लोग देखते रहिएगा हमारे वीडियो को दोस्तों। तो ऐसे ही हमको प्यार दुलार सपोर्ट देते रहिएगा आप लोग। तो ये देखिए इधर वीडियो एंड तक देखिएगा दोस्तों हम लोग को। मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों।
थोड़ा नमक डाल देते हैं, थोड़ा तरी बनेगा ना। हाँ तरी वाली बनाएंगे, क्योंकि हम तो चावल से खाना खाते हैं, रोटी से नहीं खाते हैं। हम गांव के हैं और हमारे गांव तरफ ज्यादा चावल की खेती होती है, धान की खेती होती है। दोस्तों हमारे गांव में, हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, तो गांव में मतलब ज़्यादा खेत है जो चावल धान का होता है, तो इसीलिए हम ज़्यादा चावल खाते हैं। रोटी खाते हैं पर बहुत कम खाते हैं, इसीलिए हम डेली मतलब चावल का वीडियो बनाते हैं, चावल जो खाते हैं वही दिखाते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग देखते रहिए। ये देखिए अभी मसाला भून, टमाटर और मसाला अच्छा से भून गया है। ये देखिए हमारा चिकन कैसे लग रहा है, ये देखिए। आप लोग भी खाने के लिए आइए, आप लोग भी खाने आइए दोस्तों। ये देखिए अच्छा से हमारा चिकन भून गया है मसालों के साथ, अच्छा से देखिए कैसा लिपट गया है। तो ये देखिए वो बाद अभी पानी डाल देंगे दोस्तों, हो गया है, बस पानी डाल दीजिए। अब थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं क्योंकि थोड़ा मिक्स होगा बोल रहे हैं, तो उसके बाद में ज़्यादा पानी डालेंगे। थोड़ा सा मसाला अच्छा सा और थोड़ा मिक्स हो जाए बोल रहे हैं। तो चलिए एक दो मिनट के लिए ढक देते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के भी पक जाएगा साथ में, फिर उसके बाद में ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे दोस्तों। फिर हो जाएगा हमारा चिकन रेडी। और हमारा वीडियो में प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखना, ऐसे ही देते रहना। जो नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। हम दोनों लव मैरिज कपल हैं और हमारा हाल समझने वाला कोई नहीं है, बस आप लोग हैं जो हमारा जो दिल की बात है आप लोग समझ सकते हैं। तो हुआ नहीं है थोड़ा सा दोस्तों, फिर पानी डाल देंगे ज़्यादा दोस्तों, फिर हो जाएगा हमारा चिकन रेडी। तो ये देखिए दोस्तों हम पानी डाल दिए थे थोड़ा सा, और ये मतलब मसाले पक गए हैं, टमाटर भी पक गए हैं, देखिए दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों सारे मिक्स हो गए हैं, अच्छा से मिक्स हो गया है। ज़्यादा चिकन हम नहीं बनाए क्योंकि हम दो जन हैं। ये मतलब ज़्यादा नहीं है दोस्तों, एक पाव है, ज़्यादा भी नहीं है। तो ये देखिए हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं दोस्तों, ये देखिए पानी डाल दिए इसमें, पानी डाल दिए ये देखिए दोस्तों। और अभी उबलने के लिए अभी छोड़ देंगे, उबल जाएगा अच्छा से। और इसमें उमा जी ये देखिए ढक्कन लगा दे रहे हैं, खाली ढक दे रहे हैं, उसके बाद में गैस तेज कर देते हैं थोड़ा सा, और अभी पकेगा दोस्तों 10-15 मिनट, उसके बाद में ये हो जाएगा रेडी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए दोस्तों, फिर हम खाना खाएंगे, टेस्ट करके भी बताएंगे आप लोगों को। प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद। तो हो गया दोस्तों हमारा चिकन फाइनली दोस्तों तैयार हो गया है। ये देखिए चिकन तैयार हो गया हमारा, ये देखिए दोस्तों चिकन हुए कैसा लग रहा है दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल गाड़ी गाड़ी सा लग रहा है। अब तो चावल खाने खाने का मजा यार, चावल के साथ खाने में बढ़िया लगेगा दोस्तों। तो हम इसे बंद कर देते हैं इधर, और चावल परोसेंगे दोस्तों, उमा जी इधर खाना खाएंगे क्योंकि टाइम भी हो गया दोस्तों, टाइम हो गया साढ़े दस दोस्तों। तो अभी हम खाना परोस रहे हैं, उमा जी खाना परोसेंगे, ये देखिए इधर। तो उमा जी खाना परोस रहे हैं, तब तक मैं हाथ धो के आ जाता हूँ दोस्तों। तो चलिए फिर हाथ धो के आ जाता हूँ मैं। तो फाइनली गाइस उमा जी ने खाना परोस लिए हैं, ये देखिए, और हम इधर खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, और अभी आपको टेस्ट करके बताएंगे हमारे चिकन कैसा बना है देसी तरीके में।
कैसा बना है टेस्ट करके बताएंगे उमा जी आपको। तो ये देखिए उमा जी ग्रेवी के साथ ये चावल को अच्छा से मिक्स करके खाने वाले हैं और टेस्ट करके बताने वाले हैं। अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा। अब मैं ये प्यारे प्यारे कलेजी, ओहे अब कलेजी खा रहे हैं ये देखिए दोस्तों। और इधर मैं भी मस्त बना है दोस्तों। तो हम दोस्तों मैं भी इसे टेस्ट कर लेता हूँ कैसे बना है। आप भी खा लीजिए। मैं भी खा लेता हूँ, टेस्ट करके बताऊंगा। थोड़ा मैं ग्रेवी के साथ ये लिया और हम चावल को मिक्स करके ये देखिए कैसे बना है। पूरा बढ़िया बना है दोस्तों। तो दोस्तों हमें ऐसे ही प्यारा आशीर्वाद देते रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो दोस्तों हम आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद हमको ऐसा देते रहिएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आप लोगों से। बाय बाय।